नमक इश्क के बारे में बात करें तो कहानी का आज आप रौद्र रूप देखने वाले हैं। कहानी जिस तरीके से ईरावती का नाश करेगी, उसकी औकात उसको दिखाएगी, वो सचमुच काबिले तारीफ होने वाला है। यहाँ पर कहानी बेहद गुस्से में आ जाएगी और भस्म के सहारे वो पराजित कर देगी ईरावती को। ईरावती यहाँ कहती है साफ तौर पर, अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मार पाई मुझे तो सोच लो आगे मैं क्या करूँगी। इधर युग उसी जगह पर आ गया है जिधर से वो गायब हुआ था। जी हाँ, लेकिन युग को कुछ भी याद नहीं है। युग को ये भी याद नहीं है कि ईरावती ने उसे बोतल में कैद कर लिया था। कहानी जो है ईरावती को जिंदा छोड़ देती है और फिर वो घर लौटती है और घर में जब युग को देखती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। युग को गले लगा लेती है सभी के सामने, सभी लोगों के सामने वो युग को गले लगाती है और फिर युग पूछता है, कहानी तुम कहाँ थी? मैं कहाँ था? यहाँ पर कहानी कुछ नहीं बोलती है। घर वाले ये कहते हैं कि इसी ने तो तुमको अगवा किया था, कहानी ने तुमको अगवा किया था। लेकिन यहाँ पर युग नहीं मानता ये सब सारी बातें। कहानी तो घर में पहुँचती ही पहुँचती है, पीछे पीछे ईरावती भी आ जाती है। ईरावती बेहद गुस्से में है। देखना दिलचस्प होता है कि अब ईरावती क्या करती है कहानी और युग के साथ, क्योंकि कहते हैं ना घायल शेरनी जो है वो बहुत खतरनाक होती है।